ये जो क्रेडिट का एप्लीकेशन फॉर्म है इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, इसको बनाने के लिए जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे, जो वो ट्रिक है, वो इस तरह से है। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च कर लेना है। जैसे ये वर्ड लॉन्च हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से आपने एक ब्लैंक फाइल ले लेनी है। और ब्लैंक फाइल लेने के बाद आपने यहाँ टॉप पे किस तरह से काम करना है, तो यहाँ पर देखें काम करने का जो स्टाइल रहेगा वो ये रहेगा कि स्टार्ट में जाकर टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक रो लेंगे और उसमें आपने जस्ट टाइप कर देना है क्रेडिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया क्रेडिट एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे लेआउट पे जाके यहाँ पे एक नीचे रो ऐड करानी है, वो भी फुल रहेगी। इसमें एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इंसर्ट ब्लू करेंगे यहाँ से, तो उसके नीचे फुल रो है, नेम लिखना है उसके अंदर, नेम लिख लिया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक और ब्लू रो ऐड करेंगे, इस रो को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो स्प्लिट करेंगे यहाँ से। ये यह देखें, जब किसी भी एक रो को तीन या चार पांच कॉलम्स में डिवाइड करना होता है तो ये कमांड का इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिट सेल, और यहाँ से क्लिक करके थ्री कॉलम्स करके इसको ओके करेंगे तो ये तीन कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे SSN कॉलन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फोन। फर्दर मूव करने के लिए मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आएगा, जो नेक्स्ट रो ऐड कराएंगे आप तो वो वही तीन कॉलम जैसी आएगी, तो उसको सेलेक्ट करके एक करने के लिए मल्टीपल कॉलम्स को मिला के, तो उसके लिए मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मर्ज करेंगे तो वो जितने भी सेल्स हैं आपस में ब्रेक होके एक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से सिटी स्टेट जिप कोड ऐड कराना है, तो यहाँ इंसर्ट ब्लू करना है, तो उसके बाद दोबारा से इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, स्प्लिट सेल थ्री कॉलम्स। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? तो यहाँ पर आके हमने इसको सिटी स्टेट जिप कोड लिखना है, तो सिटी स्टेट और जिप कोड यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा। अब उसके बाद फिर नीचे तीन कॉलम है इसके नीचे, तो यहाँ क्लिक करके इंसर्ट ब्लू करना है, और उसके बाद क्लिक करके ऑन रेंट वगैरह ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर ऐड करनी है, ऑन रेंट, और इसके बाद प्लीज सर्किल, मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट और रेंट, हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और इंसर्ट ब्लू करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। फिर इस तरह से आप बनाते चले जाएं आगे। फिर इसको क्या करें, जैसे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो इसको यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल इससे जुदा हो जाएगा, फिर आप इसको अलग से बनाएं, यानी कि जहाँ पर आपको लगे कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन आपको देखो ऐसे होगा कि जैसे इसके नीचे आपने एक रो ऐड कराया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये आपको आएगा, अब आप इसको मूव करेंगे आगे की तरफ, ये चीज़ आगे आनी है तो वो ऊपर वाले तीनों मूव होंगे। इसके लिए फिर आपने ये करना है कि स्प्लिट टेबल करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से आगे कर देना है, फिर जब सेट हो जाए क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का बटन दबा के फिर इसको इसके साथ स्टिक कर देना है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। इसी तरह हम ये दूसरा पार्ट जो आप बना रहे हैं ना इसका, ये वाला, इसको अलग से बना लें, जब ये पूरा अलग हो जाए फिर बाद में ऐसे क्लिक करके इसको डिलीट करके जोड़ दीजिएगा आपस में। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ, तो भाई अब ये सिंपल सी बात है कि भाई अब जो हेडिंग है वो कैसी रहेगी और जो बाकी फॉन्ट है, ये सारा एक ही फॉन्ट में है पर इसमें ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे क्लिक करें, हेडिंग वन पे क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करके 14 करें, बोल्ड इटैलिक करें इस तरीके से, और यहाँ का जो लेआउट है इसको यहाँ से इस तरह से कर दें, ठीक है, थोड़ा सा रो हाइट इसकी यहाँ से बढ़ा दें, और बॉटम की साइड पे थोड़ा बढ़ा दें, तो बाकी तो सेट रहेगा। और जो अंदर वाला टेक्स्ट है जो टेबल के अंदर लिखा जाएगा उसको आप 12 पे रख लें इस तरीके से, ठीक है, 12 के फॉन्ट पे टाइप कर लें, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपका ये क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा। अब जहाँ पे ग्रे लाइंस देनी है वहाँ पे क्लिक करके डिजाइबल डिज़ाइन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके ठीक है इस तरह से
पूरा का पूरा फिर आपने ये बना लेना है। फॉर्मेट एक ही है बस, इसमें तीन चीज़ें आपको समझनी थी, नई चीज़, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। स्प्लिट सेबल सेल से एक रो को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, स्प्लिट टेबल से टेबल को ब्रेक कैसे करना है, और मर्ज से कितने सारे सेल्स को मिला के एक सेल करना है। अब जितने भी आगे वाले असाइनमेंट्स में ये चीज़ें आएंगी तो आपको इनके तरीके से ही मैनेज करना होगा। ठीक है, बनाएं इसको बैठ के।